नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आज के प्रोग्राम में हम आपको कुछ खास बताने जा रहे हैं। यूं तो इस प्रोग्राम को आप एक कहानी की तरह भी ले सकते हैं, लेकिन समझना चाहे तो ये कहानी आपको जिंदगी की बहुत बड़ी सीख भी दे सकती है। ये कहानी आपको रिश्तों की कद्र करना सिखा सकती है। ये कहानी आपको सिखा सकती है कि जो जैसा है उसे वैसे ही प्यार करो। ये कहानी आपको सिखा सकती है कि बेवजह किसी को सजा दोगे तो उसकी चोट आपको भी लगेगी ही। ये कहानी आपको लोगों को देखने का नजरिया बदल सकती है। ये कहानी है एक मशहूर अभिनेता की असल जिंदगी की। ये कहानी है विख्यात कलाकार सईद जाफरी की जिंदगी की। कहानी तो आपको जरूर सुनाएंगे, पर उससे पहले कहानी के सार के रूप में लिखी कुछ पंक्तियां सुनिए। कहते हैं जो पर्दे पर दिखता है वो हकीकत नहीं होती, हकीकत जो होती है वो पर्दे पर रहकर भी नहीं दिखती। वक्त रहते समझ लूं गलतियां, मैं भगवान नहीं, अभिनय करता हूँ, अभिनेता मेरा नाम नहीं। जो पर्दे पर दिखता हूँ हीरो, वो मेरी पहचान नहीं। नहीं याद आती है तू बोल सकूं, इतनी झूठी मेरी जुबान नहीं। तेरे उस चेहरे की मुस्कान भुला पाता, इतना खुदगर्ज इंसान नहीं। दर्द तुझको दिया और मुझको मलाल भी ना हो, इतना बेगैरत मेरा ईमान नहीं। तुझे छोड़ किसी और का हाथ थामा, तेरी नफरत के लायक भी मेरा दाम नहीं। तूने तो संजोया था हमारा आशियां अपने प्यार से, दूसरों के चमकते महल देख तेरा प्यार ना समझा, तेरे काबिल मैं इंसान नहीं। हीरो के हार जैसा अनमोल रिश्ता था हमारा, एक मोती की सफेदी से मेरी आंखें चमक उठी, तेरे काबिल मैं इंसान नहीं। अभिनय करता हूँ, अभिनेता मेरा नाम नहीं। आज भी तुझे याद करता हूँ, तुझे भुला सकूं, इतनी कमजोर तेरी पहचान नहीं। वो मैं ही था जो तुझे पहचान ना पाया, तेरे प्यार का मैं हकदार नहीं। खुद ही खुद को भूल गया हूँ, बिना तेरे मेरी कोई पहचान नहीं। अभिनय करता हूँ, अभिनेता मेरा नाम है। ये पंक्तियां थी मेरे सहकर्मी कृष्णा की कलम से, जो शायद अभी आपको समझ ना आई हो, पर ये कहानी खत्म होते होते आप इन पंक्तियों को, गहराइयों को बखूबी समझ जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सईद जाफरी भारतीय सिनेमा जगत के एक जाने माने सितारे, जिन्हें देखकर लगता है कि किसी ही चीज की कमी हो सकती है इनके पास। नाम दौलत शोहरत भगवान का दिया सब कुछ तो है इनके पास, पर नहीं, ये वो है जो हम पर्दे पर देखते हैं। दरअसल होता यही है कि जब हम दर्शक बनकर एक अभिनेता को देखते हैं तो हम भूल जाते हैं कि पर्दे के पीछे भी इस अभिनेता की एक जिंदगी है, जिस जिंदगी में वो भी एक इंसान है। खैर, इसमें हमारी आपकी गलती भी नहीं है, ये तो इन कलाकारों की कला है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो हम देख रहे हैं वही सच है। वैसे मैं आपको बता दूं, वो सच नहीं है। हर अभिनेता की एक असल जिंदगी भी होती है, मेरे जैसी, आपके जैसी और हमारे जैसी। उस जिंदगी में वो भी एक इंसान है जिसे दो वक्त की रोटी चाहिए, शाम को घर जाए तो प्यार से दो शब्द बोले ऐसा साथी चाहिए, देर हो जाए तो खाने पर इंतजार करे ऐसा परिवार चाहिए। आगे की कहानी समझने में आपको तकलीफ ना हो, इसलिए समझिएगा कि ये कहानी आप सईद जाफरी की जुबानी ही सुन रहे हैं। मैं 19 बरस का था जब मेहरूनी माँ से मेरी शादी हुई और वो 17 बरस की थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, औपनिवेशिक भारत के ब्रिटिश कल्चर से प्रभावित होता चला गया। मैंने फर्राटेदार इंग्लिश बोलना भी सीख लिया, ग्रेसफुल सूट पूछ पहनना भी सीख लिया, वो बड़े लोगों वाले एटिकेट्स भी सीख लिए, लेकिन मेहरूनी माँ मुझसे बिल्कुल उलट थी। वो एक टिपिकल हाउसवाइफ थी। मेरी सलाह और चेतावनी से उनके मूल व्यक्तित्व में कोई बदलाव नहीं आया। वो एक आज्ञाकारी पत्नी, प्यार देने वाली माँ और एक कुशल गृहिणी थी, लेकिन जो मैं चाहता था वो नहीं थी। जितना मैं उन्हें बदलना चाहता था उतने ही हम दोनों के बीच फासले बढ़ते गए। धीरे धीरे वो एक प्यारी सी युवा महिला से असुरक्षित महिला में तब्दील हो गई। इसी दौरान मैं अपनी एक को स्टार की तरफ आकर्षित हो गया और उसमें वो सब कुछ था जो मैं अपनी पत्नी में चाहता था। शादी के 10 साल बाद मैंने मेहरूनी माँ को तलाक दे दिया, घर छोड़ दिया और अपनी को-स्टार से शादी कर ली। मैंने मेहरूनी माँ और अपने बच्चों की फाइनेंशियली सिक्योरिटी सुनिश्चित कर दी थी। 6 से 7 महीनों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा,
इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी केयरिंग और अफेक्शनेट नहीं है, वो सिर्फ अपनी खूबसूरती, महत्वाकांक्षा, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचती है। कभी कभी मैं महरुनमा के प्यार भरे स्पर्श और मेरे लिए फिक्र को मिस करता हूँ। जिंदगी बीतती गई, मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों एक दूसरे के घर में रहने वाले दो लोग बनकर रह गए। हम एक नहीं हो पाए। मैं कभी ये देखने नहीं गया कि मेरा, महरुनिमा और मेरे बच्चों का क्या हुआ। दूसरी शादी के 6 से 7 साल बाद मैं मधुर जाफरी का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जो एक उभरती हुई शेफ थी जिन्होंने हाल ही में अपनी रेसिपीज की एक किताब लॉन्च की थी। जैसे ही मैंने उस स्मार्ट और एलिगेंट महिला की तस्वीर देखी, मैं दंग रह गया। वो महरुनिमा थी। ऐसा कैसे मुमकिन था? उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी और अपना मैडन नेम भी बदल लिया था। उस समय में मैं विदेश में फिल्म की शूटिंग कर रहा था, वो अब अमेरिका में रहती थी। मैं अगली फ्लाइट से अमेरिका पहुंचा। मैंने महरुनिमा के बारे में पता किया और उनसे मिलने गया। उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी 14 साल की थी और मेरा बेटा 12 साल का। उन दोनों ने कहा कि वे आखिरी बार मुझसे बात करना चाहते हैं। महरुनिमा के नए पति उनके नाम मिलने के फैसले में उनके साथ थे। मेरे बच्चे के भी वही कानूनी पिता थे। आज की तारीख में भी मैं उन्हें भूल नहीं पाता कि मेरे बच्चों ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमारे नए पिता को पता है कि असली प्रेम क्या होता है। बच्चों ने बताया कि महरुनिमा को उनके दूसरे पति ने कभी बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो खुद से ज्यादा अपनी पत्नी को प्यार करते थे। उन्होंने महरुनिमा को अपनी तरह से विकसित होने के लिए स्पेस दिया। महरुनिमा जैसी थी, उन्होंने उन्हें वैसा ही स्वीकार किया। कभी उन पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दबाव नहीं बनाया और अपने दूसरे पति के साथ आज वो कॉन्फिडेंस से भरी, प्यार देने वाली, आत्मनिर्भर महिला के रूप में तब्दील हो चुकी है। ये उनके दूसरे पति का निस्वार्थ प्रेम और स्वीकारता थी जिससे ये संभव हुआ। जबकि आपकी स्वार्थपरता, डिमांड और मां को उनके मूल रूप में ना स्वीकार करने से ही वो आत्मविश्वास से हीन हुई और आपने अपनी स्वार्थपरता में उन्हें छोड़ दिया। आपने कभी माँ को प्यार नहीं दिया, आपने हमेशा खुद को प्यार किया। और जो खुद से प्यार करते हैं, वे कभी किसी और को प्यार नहीं दे सकते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक था, आप जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं। ये जो कहानी थी वो विख्यात कलाकार सईद जाफरी जी की डायरी का एक अंश था, उनकी जिंदगी की एक हकीकत थी। अब जाफरी साहब को अपनी गलती का मलाल तो हुआ, पर शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर जाफरी साहब की तरह आप ये गलती ना करें, इसलिए सईद जाफरी जी की जिंदगी के इस पहलू से आपको रूबरू कराना जरूरी था। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जाफरी साहब का, जिन्होंने अपनी जिंदगी के इस पहलू को बरसों तक सजो कर रखा और इसकी कशिश पर जरा भी आंच नहीं आने दी। जाते जाते जाफरी साहब के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। माना कि मेरी तकदीर में नहीं था जिंदगी भर के लिए तेरा साथ, पर तुझसे दूर जाकर भी भूल जाता तुझको, इतनी कमजोर नहीं थी तेरी याद। पल पल तेरी यादें आज भी कराती हैं मेरा परिचय तेरी पहचान से। तुझको तो नहीं भुला पाया, पर मैं हूं कौन तेरे बगैर ये मुझको भी याद नहीं। इस खास वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलें।